गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज है सैटरडे, गोकुल बैराज है, तो मैं इधर हूँ अभी। तो आज जमुना का जल स्तर बढ़ गया है, तो मैं आपको जल स्तर दिखाता हूँ जमुना का। तो काफ़ी पानी हो गया, पहले तो बहुत कम था इसमें, आज पानी काफ़ी हो गया। पहले सैटरडे को आया था तो उसमें कम पानी था, आज काफ़ी पानी हो गया है। मेरे पास एक कंप्लेंट थी फ्रिज की, तो कल मैंने देख लिया था वो फ्रिज, उसका फ्रीजर और कंडेंसर बहुत बुरी तरह से चौक था। तो मैं उसका फ्रीजर और कंडेंसर तो निकाल लिया था, मैंने निकाल लिया और सामान भी ले आया था कल। बट रात हो गई, 9:30 हो गए, बज गए थे टाइम, तो मैंने उसको कल किया नहीं था। अब जाके करूँगा मैं उसको, वही फ्रीज करना है जाके, बस इतना काम है मेरे पास। हाँ, एक और फ्रीज है, उसमें गैस डालनी है, दो काम है अभी। आगे देखते हैं, अगर कोई भी और कंप्लेंट आती है तो आगे ही बढ़ेंगे। फिलहाल तो बस दो ही फ्रीज हैं, एक तो मैं कल परचेस करके लाया था तो उसमें भी गैस डालनी है, और एक कस्टमर का है वो देखना है, बाकी और कोई कंप्लेंट नहीं थी। बट यहाँ घूम के ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ खुला हुआ स्पेस है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, और जमुना मैया है ये हमारी, और यहाँ लोग आते हैं काफ़ी घूमने के लिए बाहर से। और ये गोकुल है, ये गोकुल मेरे पीछे, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। फ्रीजर में हम पीछे के ढक्कन कसते हुए, पीछे का ढक्कन कसना है हमको, उसी को कर रहे हैं। ये वही फ्रीज है जिसका एक ये फ्रीजर ये डलेगा और ये कंडेंसर डलेगा उसमें, बस मैं और भैया जा रहे हैं इसे करने के लिए। और ये वाला फ्रिज हम खरीद के लाए थे, ये फ्रिज है भरपूर, उसको हमने खोल दिया था। अब इसमें फ्रीजर जाल इंस्टॉलेशन करने हैं इनके, अब हमें कौन सा शीशा आंटी बता ही ना आंटी, नहीं कल ही ले आते हैं, बता देते तो कल ही ले आते हम। फाइनली जाल भी इंस्टॉलेशन हो गया, लग गया, अब बस ये यहाँ भी हो गया, वेल्डिंग करना रह गया इसका। अब हम इस साल पाइप भी दे रहे हैं वेल्डिंग के लिए, फाइनली हमारा पाइप जुड़ गया और ये वेल्डिंग ठंडा होने देते हैं अब हम, और फिर आगे पिन वाल लगाते हैं हम इसका। इस होल में पिन वाल गर्म करके इसमें लंबी चौच वाले प्लास्टिक को थोड़ा सा आगे बड़ा कर देंगे नीचे, और इसमें थोड़ा पिन डाल लगा के मैंने ये होल अब बड़ा कर दिया उसका हीट गर्म होके। तो अब मैं पिन वाल लगा रहा हूँ, पिन वाल को थोड़ा सा ठोकना पड़ता है, उसमें टाइट जा रहा था, अगर वैसे ही सुधरेगा तो नया घुसता। मैंने सारा वसा लगा दिया इसमें, मैं बार का वेल्डिंग कर रहा था, थोड़ा थोड़ी करके थोड़ी करता हूँ और ये वेल्डिंग करता हूँ उसका। अच्छी तरह से गर्म हो गया मेरा, उसको अच्छी तरह से वेल्डिंग कर रहा था। वेल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, पानी में से और कोई ऐसे नहीं, टाका भुला हुआ है, वेल्डिंग हो चुकी है इस पर, इसको ठंडा होने देते हैं। फिर इस पर अब ड्रायर लगाएंगे हम, SVS का ड्रायर, अब मैं ड्रायर लगाने आ रहा हूँ। ये ड्रायर में मैंने थोड़ा सा 4 आंगुर का कॉपर का पाइप लगा लिया है, जिससे जैसे अगर लोहे पे और कॉप फिल्टर में एक साथ वेल्डिंग करते हैं तो फिल्टर अगर फट सा जाता है, तो कॉपर में कॉपर लगाने के बाद ना तो फिल्टर में बहुत अच्छी से वेल्डिंग आती है, और कॉपर पाइप और लोहे का पाइप जो जब कंडेंसर जाता है फिल्टर और कॉपर के पाइप को वेल्ड करना, और उसके बाद कंडेंसर और लोहे के पाइप कॉपर के पाइप को वेल्ड करना। तो ये तो ड्रायर लग गया है, अब बस लोहे का पाइप और कॉपर के पाइप को वेल्ड करना रह गया है। मैं इसे अच्छी तरह से देख रहा हूँ, इसमें कहीं होल तो नहीं रह गया है। मैंने लोहे का पाइप और कॉपर के पाइप को वेल्ड कर दिया, फाइनली पाइप वगैरह सब जुड़ गए, और वैक्यूम पे चल रहा है ये सिस्टम हमारा, इधर वैक्यूम में लगा हुआ है लाइन, वैक्यूम होने के बाद फिर गैस रिफिल करेंगे इसमें। अब
अब इसमें मैं गैस चार्ज कर रहा हूँ, गैस आपको दिख ही रही होगी, लिक्विड चार्ज कर रहा हूँ थोड़ा सा। लिक्विड चार्ज करने के बाद तो ये GMCC कंप्रेसर है और एम्पियर ले रहा है 0.5 है और अभी 0 से नीचे है इसका प्रेशर, इसमें RF 124 है। फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं अपने दूसरे फ्रिज की ओर। इस फ्रिज में भी गैस डालने वाले हैं, ड्रायर लग गया, पिन वाल लग गया, सक्शन और फ्लैशिंग भी हो चुकी है इस फ्रिज की दूसरे वाले की, जो मैं ख़रीद के लाया था। ये 220 लीटर का है और इधर ये वैक्यूम हो रहा है इसमें। अब वैक्यूम होते ही इसमें फिर गैस चार्ज करूँगा मैं। तो ये यहाँ से होते हुए और ये कम से माइनस में आ गई है ये सुई और वैक्यूम हो गया। अब इसका बस गैस डालना रह गया, उसको चालू करके गैस डालूँगा। फाइनली गैस चार्ज हो गई है, अभी तो छोड़ दिया मैंने इसमें, 18 पॉइंट गैस कर दिया मैंने इसमें। फिलहाल ये चल रहा है और ये चल रहा है आपका एम्पियर 9789 एम्पियर लेके चल रहा है इस टाइम।